नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से एक मकान पर छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 2 साल से किराए के मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था। छापे से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने 2 महिला और 2 युवकों को मौके से पकड़ा है। कमरों से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरठ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस और थाना पुलिस ने एक साथ कार्रवाई करके छापेमारी के दौरान एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापे से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में 2 महिला और 2 युवकों को मौके से पकड़ा है। कमरे से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को पिछले कई दिनों से मेडिकल थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में सेक्स रैकेट की सूचना मिल रही थी। 2 दिन से पुलिस इस पर नजर बनाए हुए थी और रैकी कर रही थी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान को घेर लिया। पुलिस को देखते ही मकान के अंदर 2 युवक छत पर गए और भागने का प्रयास करने लगे, मगर पुलिस ने घेराबंदी कर युवकों को दबोच लिया। कमरे से 2 महिलाएं भी पकड़ी गई हैं। मकान में 2 कमरों से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। मेरठ से संवाददाता राजन सोनकर की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।